See, here we have to identify A, B, C, D, E, R एंड आर वन. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एक्चुअली क्वेश्चन है. लेट्स डू इट. देखो, सबसे पहले जब आप अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हो ना, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है और मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के हेलोजन के बीच में आ जाता है. तो जो अपना ए है, ए इज साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दैट्स इट. व्हेन मैग्नीशियम व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स एल्केन. तो अपना जो पी है ना वो है साइक्लोहेक्सेन. हो गया, डन. ओके, सेकेंड पार्ट में व्हाट दे आर सेइंग, देखिए. एम जी ने इसके साथ रिएक्ट किया तो सी क्या रहा होगा, कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट. आर एम जी पी आर. अच्छा, अभी जैसे ऊपर वाली हमने रिएक्शन कराई ना, तो उसमें पता है क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि एम जी बी आर हटके वहां एच आ गया था. तो यहां पे क्या होएगा भाई, यहां पे होगा कि एम जी बी आर हटके डी आ जाएगा. नाउ व्हाट इज डी? देखो, ड्यूटीरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो एच टू इज इन डी टू आइसोटोप्स हो गया, मतलब डी टू इज ऑल्सो इज कॉल्ड हैवी वाटर. तो आर की जगह डी आ जाना चाहिए, आर डी बनना चाहिए, ठीक है. और आर डी की जो स्ट्रक्चर है वो ये है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो आर है वो ये है, ठीक है. डी तो दिख ही रहा है. सो इफ दिस इज आर देन सी वुड बी, यस बताइए, सी होएगा सी एच थ्री सी एच, यहां पर एम जी पी आर, यहां पर सी एच थ्री आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. चलो थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, माना लास्ट वाली सेट ऑफ रिएक्शंस की तरफ. एल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद अगेन मैग्नीशियम, तो जी ड्राई ईथर बनता होगा, मतलब ड्राई ईथर सॉरी ग्रिगनार्ड रिएजन बनता होगा. आर डैश एम जी एक्स और ई क्या होगा, ई होगा जी आर डैश एच, कोई बात नहीं. अच्छा, ये ना वुड्स रिएक्शन हो रही है. जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं ना, तो कार्बन चेन डबल हो जाती है, आर आर ऐसा बनना चाहिए कुछ, ये बन रहा ही है. जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वन आर डैश इज दिस, ठीक है. इफ दिस इज द आर डैश देन दिस कंपाउंड इज सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एक्स. फिर हमारा जो डी है वो कौन है, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एम जी एक्स. और फिर हमारा ई कौन है, ई है सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच एंड देन सी एच थ्री टू मिथाइल प्रोपेन. आई होप ये समझ में आया, और नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. इस चैनल पे बहुत सारी बोर्ड की केमिस्ट्री की वीडियोस हैं, और भी आएंगी, जेई नीट की भी आएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.